खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। शराब नीति के विरोध में मुख्यमंत्री को 84 किलो 50 ग्राम चिट्ठियां भेजी। शराब नीति के विरोध में अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी द्वारा जहां एक ओर इंदौर में लगातार आंदोलन कर शराब नीति का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को 84 किलो 50 ग्राम चिट्ठियां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डाक के माध्यम से भिजवाई गई। वहीं प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक बार फिर शराब नीति के खिलाफ देवास और उज्जैन में रथ यात्रा के माध्यम से चिट्ठी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पिछली बार की तुलना से भी अधिक चिट्ठियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भिजवाई जाएगी। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। इस सरकार की शराब नीति में उन्होंने परिवर्तन किया, हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज जी कहते हैं कि जनता के अभिमत को मैं स्वीकार करता हूँ। लाडली बहना उनकी मध्य प्रदेश में सारी बहना है, और शराब नीति के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर मुखर कोई है तो बहना है। पहले हमने 84 किलो 500 ग्राम चिट्ठियाँ भेजी थी, बड़ी मुश्किलों से स्वीकार की थी। अब हमने 47 किलो 500 ग्राम चिट्ठियाँ भेजी हैं और इस प्रकार से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी हैं। तीन अलग अलग डाक घरों में, बड़े बड़े डाक घरों में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से इस प्रकार से शुल्क चुका करके चिट्ठियाँ भेजी गई हैं। 47 किलो 500 ग्राम की ये चिट्ठियाँ थीं। भगवान महाकाल के दरबार को जो सरकार नहीं छोड़ रही है, मक्सी की लाइन से चालू हो जाओ, जाख्या देवगुराड़िया की लाइन से चालू हो जाओ, मांगलिया तलावली चांदा की लाइन से चालू होते हुए जाओ, और इधर आप अरबिंदो के आगे से जाएंगे तो सारे नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी शराब की दुकानें आपको मिलेगी। अगर ये राजनीतिक मंच के माध्यम से हम कोई आयोजन करते तो ये कहा जाता कि विरोधी दल होने के नाते कर रहे हैं, इसलिए हमने आम जनता को इससे जोड़ा। इंदौर में हमारी मुहिम सफल हो गई है। अब चामुंडा माता की नगरी में जा रहे हैं, परंतु सड़क आहाते बन चुके हैं, बगीचे आहाते बन चुके हैं, खेल के मैदान आहाते बन चुके हैं, यानी शिवराज जी ने एक स्थान से आहाता खोला छोड़ा। परंतु इस आक्रोश को प्लेटफॉर्म चाहिए, और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में शराब नीति में परिवर्तन करते हुए 11 बजे की जगह 11:30 बजे शराब की दुकानों को खोलने का समय दिया गया था, मैं ही अदालत के अंदर पहुँचा था। अदालत के अंदर जिस दिन फैसला हुआ, अदालत ने यह कहा था कि अगर प्रशासनिक न्यूसेंस क्रिएट होता है या आम जनता के शांति में खलल पैदा होता है तो आप इसी आधार पर न्यायालय में वापस आ जाना। रात को ही सेना ने हमला कर दिया था, विजयनगर चौकी पर हुआ था, और फिर मैं दूसरे दिन कोर्ट पहुंचा था। अब बजरंग दल और पुलिस प्रशासन के बीच में जो ये नूरा कुछ उस अदालत के कक्ष में मैंने दी थी, वो आवाज़ अब जनता की आवाज़ बन चुकी है। 1 अगस्त 2023 से 15 दिन तक लगातार मैं इंदौर, उज्जैन और देवास के गांव-गांव में घूमूंगा, और ये शराब की नीति जनता की नीति नहीं है, जनता इसके खिलाफ है, ये आवाज़ उठेगी हर गांव और कोने से। चिट्ठियां अब इन जगहों से आप लोगों को ले जा करके दिखाई जाएगी कि जनता किस तरीके से लिख रही है, किस तरीके से विरोध में उतर रही है। पिछली बार की तुलना में इस बार कितनी ज़्यादा चिट्ठियाँ हो जाएंगी? मैंने कहा तीनों जिलों से अलग अलग, और सबसे ज़्यादा चिट्ठी जाएगी उज्जैन की महाकाल बाबा के दरबार से। हमारी पूरी टीम जो अराजनीत, हम प्रशासनिक अधिकारियों को छलते हुए काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँचे, उनकी पोल खुल जाएगी। नीति अधिकारी बनाते हैं, नेता तो देखते हैं उसमें अपना फ़ायदा,